नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग पेटीएम पोस्टपेड की फैसिलिटी लिए हुए हो तो कैसे पेटीएम पोस्टपेड का बिल आपको जमा करना है। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पेटीएम अप्लीकेशन अपना ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना है पेटीएम पोस्टपेड, यानी कि यहाँ पे लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड का जो सेक्शन दिया गया है उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिल जाता है। इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पेटीएम पोस्टपेड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका पेटीएम पोस्टपेड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा करंट बिल आया है, करंट बिल ड्यू यहाँ पे 102 रुपये 36 पैसा, तो इसको पे करना है। तो जस्ट यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि जितना भी आप लोग स्पेंड करोगे उस पर आप लोग को 2% कन्वीनियंस फी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अपना पासबुक ओपन करके। तो यहाँ पर देखिए 60 20 20 करीब मैंने 100 रुपये खर्च किए, यानी कि 100 रुपीज़ खर्च किए हैं और इस पर कन्वीनियंस फी जो लगा है 2.36 पैसा। तो अभी मुझे 102.36 पैसे पे करने हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आपका बिल आ जाएगा जनरेट होकर और यहाँ पे आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है पेमेंट करने के लिए। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए पे योर बिल बिफोर ड्यू टू अवॉइड लेट फीस। अगर आप लोग 1 तारीख से लेकर, यानी कि जब भी इसका बिल जनरेट होता है अक्सर 1 तारीख को ही जनरेट होता है, नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में अगर आप लोग बिल पेमेंट नहीं करते हो तो वहाँ पर आपको चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो साथ ही आपका सिविल भी ख़राब हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर पेटीएम पोस्टपेड सर्विस हो या फिर कोई भी पे लेटर सर्विस लिए हो, बिल आपको हमेशा टाइमली ही पे करना है। तो यहाँ पे करने के लिए पे आप लोग को क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपका बिल ड्यूज शो होगा, आपको पे यहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, ये सॉरी फिर से बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए पार्सियल पेमेंट, तो पार्सियल पेमेंट आपको नहीं करना है। जब भी पेमेंट करना है आपको फुल पेमेंट ही करना है। अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी आ जाती तो ही आपको पार्सियल पेमेंट करना है, नहीं तो आपको जब भी पेमेंट करना है फुल पेमेंट करना है। पार्सियल पेमेंट अगर आप लोग करोगे तो वहाँ पर चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे जितने भी रेस्ट अमाउंट रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक कर देना है। देन आपके सामने न्यू इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा पे करने का। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, UPI के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो या फिर जो भी अगर आप लोग पेटीएम में UPI एप्लीकेशन कोई भी UPI अकाउंट ऐड किए हो तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, तो किसी के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको अपना अगर UPI की है तो UPI पे आपको अपना पिन फिल करना है, देन ओके कर देना है। तो ये बस थोड़ा सा आपको वेट करना है, प्लीज़ वेट। एंड यहाँ पे देखिए पेटीएम पोस्टपेड बिल रीपेमेंट 102 रुपये 36 पैसे, बिल पेमेंट सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से अपना पेटीएम पोस्टपेड का बिल पे कर सकते हो। यहाँ आप देखो ऑर्डर डिटेल्स भी यहाँ पे है, साथ ही लोन फैसिलिटी ये है आदित्य बिरला के थ्रू। ओके सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग पेटीएम पोस्टपेड का बिल बड़े आसानी से जमा कर सकते हो। पेटीएम पोस्टपेड की सर्विस अगर आप लोग नहीं लिए हुए तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लोग अपना पेटीएम पोस्टपेड सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो, साथ ही पेटीएम पोस्टपेड क्या बला है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इस तरह आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।